तो हेलो व्हाट्स अप गाइस एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू जीटी 5 गेम प्ले। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमने इससे पिछले वाले गेम प्ले में जो है हमने एक माइकल के लिए शोरूम खरीदा था, शोरूम या गैरेज जो भी कहे, हमने वो खरीद लिया था और वो हमें $4 मिलियन के पड़े थे, जो कि भाई काफ़ी महंगे थे। और हमने भाई गाड़ियों भी खरीदने थे, मतलब गाड़ियाँ भी हमें जो है उस शोरूम में रखना है। मतलब उसके लिए हमने जो है प्रीमियम डिलॉक्स मोटर स्पोर्ट से बात कर ली थी कि हमें ऐसे ऐसी गाड़ियाँ चाहिए। तो उन्होंने कह दिया था कि आपका गाड़ी ठीक है, हम ला देंगे, वो भी 1 से 1.5 घंटे में, वो भी नॉर्थ यंगटन से। तो गाइज अभी अभी उनका हमें कॉल आया था कि मतलब आपका गाड़ी जो है वहाँ फ्लाइट में आ चुका है, कार्गो प्लेन में। तो हमें गाइज फटाफट वहाँ लेने जाना है और एक कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाना है ताकि वो हमें हमें एक दिन का तो कुछ व्यापार वगैरह नहीं ना करना है। हमारा एक दिन का व्यापार नहीं होगा, हमारा सदाबहार का व्यापार होगा। इसीलिए हम जो है एक ट्रेलर वाले को अच्छे से ढूंढ लेंगे, मतलब कि उस ट्रेलर वाले हमारा जो है रोज़ काम करे, और एक मैकेनिक को भी ढूंढेंगे ताकि वो हमारा जो है गाड़ी वगैरह मॉडिफाई करके हमारी गैरेज में बेच सके। और भाई ये ठंड काफ़ी हो रही है भाई, हवा देख रहे हो आप कैसे चल रही है। तो भाई अभी हम फटाफट से जो है फ़्लाइट के लिए निकलते हैं, मतलब वहाँ एयरपोर्ट में जो है हमारा गाड़ियाँ वगैरह आ चुके हैं। तो गाइज हमने जिस हिसाब से हमने गाड़ियाँ ऑर्डर की थी वो हिसाब से गाड़ियाँ आ चुकी है, तो हमें फटाफट से यहाँ जो है एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा फटाफट से। तो गाइज निकलते हैं हम अपने एयरपोर्ट के लिए। भाई आप देख रहे हो भाई अपनी गाड़ी कितनी कैड़ी लग रही है भाई। और भाई ये ठंड का मौसम, मतलब पूरा मौसम भी बढ़िया हो रखा है। तो हमें फटाफट से जो है निकलना है एयरपोर्ट के लिए। और भाई देख रहे हो क्रैकल कैसे मार रही है भाई, ये घनी कह रही भाई। और पता नहीं भाई अपुन ये तो भाई ये रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल कभी फॉलो नहीं करते, फटाफट से बिन देखे भाई चल देते हैं बिल्कुल देसी लोगों की तरह। और भाई ये क्या है यार, द रिच मैन होटल। भाई हमें भी एक होटल खोलना पड़ेगा क्योंकि अभी हम भी तो रिच हो चुके हैं गाइज। और ये बंदे बंदिया क्या कर रही है भाई, इनको पढ़ने लिखने जाना नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को भाई ये कितने क्रैकल मार रही है यार, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रखा है। और गाइज इधर देख रहे हो आप, इधर कितना मतलब रिच पीपल्स रहता है यार, इनके घर देखो भाई काफी प्रीमियम लग रहे हैं भाई। हमें भी लग रहा है एक मेंशन तो खरीदना ही पड़ेगा गाइज, अब हम भी इतना अमीर हो चुके हैं तो हमें भी एक ठो जो है घर तो खरीदना चाहिए। तो अभी हम ज़्यादा बातें ना करते फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं गाइज। सो गाइज जो अभी हम एयरपोर्ट के पास पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बस कुछ ही ज़्यादा दूर है, मतलब बोलूँ तो भाई नज़दीक आ चुके हैं हम। और भाई ये कितने पाद मार रही है भाई, भाई फटाफट से हम निकलते हैं, वो भी हॉर्न बजाते हुए भाई, हट जा ठुक ठुक आ जाएगी तो मेरे को भाई मत बोलना। अब भाई इस गाड़ी में भी भाई VIP नंबर प्लेट चढ़वाना पड़ेगा यार। तो फटाफट से निकलते हैं गाइस, नज़दीक आ चुका है गाइस। और मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ भी जो है हमारे एयरपोर्ट के पास भी एक गराज है वो उसने बताया था, हम चाहे तो यहाँ भी ख़रीद सकते हैं गाइस। यही है वो गराज, आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह है। तो भाई हम इधर से एंट्रेंस नहीं लेंगे, थोड़ा आगे से एंट्रेंस लेते हैं, दूसरे वाले गेट से गाइज हमें एंट्रेंस लेना पड़ेगा। शायद वो यहीं कहीं, हाँ गाइज इधर ही है शायद से। अपन लोग भी भाई थोड़ा VIP लुक में आते हैं भाई फटाफट से। चलो ए, गेट खोल दे, तेरा मालिक आया है। देखो भाई कितना डर रहा है यार, और काय का सिक्योरिटी है रे तू साला, क्या बोले गाइज। फटाफट से निकलते हैं अब, हमारा कार्गो प्लेन कहाँ है हमें वो देखना पड़ेगा। और अपनी गाड़ी गाइस एयरपोर्ट में बिल्कुल तगड़ी लग रही है भाई, क्या ये है क्या गाइस, क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है, एडियोस एयरलाइंस। इसमें तो भाई कोई कार नहीं आने वाली, ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए है, लगता है वो बड़ी वाली होगी गाइस। तो गाइज शायद से अपनी गाड़ी, गाड़ी नहीं गाइज, तो गाइज शायद से अपनी यही है वो कार्गो प्लेन, इसके पीछे जाके हमें देखना होगा यही है या नहीं। ओ गाइज शायद, हाँ गाइज यही है, आप देख रहे हो कितनी केड़ी केड़ी गाड़ियाँ आई है गाइज।
अभी जो है गाइज हमें फटाफट से सब कारें जो है निकालने होंगे हम, और हम अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें यार। बिल्कुल भाई, यहाँ पार्क कर देते हैं यार। हाँ और गाइस चलो अब हम अंदर को जाते, देखते कौन कौन सी गाड़ियाँ आई है। और आप यहाँ देख सकते हो पहले जो है गाइस हमारी फॉर्च्यूनर आई है भाई, फॉर्च्यूनर वो भी नया मॉडल का लेजेंडर। ओ भाई सही है सही है। और गाइस ये रोल्स रॉयस, हमें भी गाइस एक रोल्स रॉयस जो है लेना पड़ेगा। और फरारी आई है, और ये जो हमारी एलसी है लैंड क्रूजर, और ये जो है SVJ63 है लैम्बोर्गिनी की। और पीछे देखो तो भाई ये उरुस भी आ रखी है भाई, घनी केड़ी लग रही है। और ये BMW i8 हमारा, और भाई ये अपना फेवरेट SUV भाई जी वैगन, मर्सिडीज जी वैगन। और हमारे ये निसान GTR का जो एक सुपर कार है। और गाइस सबसे पीछे सबसे खास और सबसे महंगी गाइस बुगाटी सिरोन, वो भी स्पोर्ट्स मॉडल, घनी केड़ी भाई भागती है भाई, तगड़ी भागती है। तो गाइस अभी हम फटाफट से जो है गाड़ियाँ निकालना शुरू करते हैं। सबसे तो पहले जो हम फॉर्च्यूनर को ही निकालेंगे गाइज। सो गाइज जो अभी हम फॉर्च्यूनर पे तो बैठ चुके हैं, अभी से धीरे धीरे से गाइज निकालते हैं, कहीं पे स्क्रैच वगैरह नहीं आनी चाहिए। आगे से देखते हैं गाइज, बिल्कुल क्लियर है। तो गाइज फटाफट से जो है हम नीचे को ले जाते हैं अपनी गाड़ी को, और ये अपनी गाड़ी जो है नीचे आ चुकी है हमारी फॉर्च्यूनर। तो इसको फटाफट से जो है यहीं पे पार्क कर देते हैं और आगे को चलते हैं गाइज। दूसरी है हमारी लैंड क्रूजर। तो गाइज अभी जो है हम LC में भी अपनी बैठ चुके हैं, अब फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। तो गाइज हमारी जो मैंने सारी गाड़ियाँ को जो है नीचे उतार लिया है, और भाई काफ़ी भाई घनी केड़ी लग रही है भाई सारी गाड़ियाँ। और भाई SVJ63 जो है भाई वो तो और भाई तेज़ भागती है, और हमारी जो है ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस भाई काफ़ी माफिया लग रही है, काफ़ी जो है हमारी रोल्स रॉयस जो है बढ़िया लग रही है। तो गाइज फटाफट से जो है ट्रेलर वाले को फ़ोन करते हैं और उसको बता देते हैं कि फटाफट से ये गाड़ी जो है ले जाना है। तो भाई मेरी जो है ट्रेलर वाले से बात हो गई, और वो बोल रहा है कि वो कुछ ही देर में आ रहा है। तो हम यहाँ से निकल जाए क्या, या लोड करवा के जाते हैं, अच्छी रहेगी हमारे लिए। सो गाइज हमारी जो है ट्रेलर वाले से बात हो चुकी है, और वो कह रहा था कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने जो ये एयरपोर्ट वाले को वो ट्रेलर वाले का गाड़ी का नंबर भी बता दिया है, क्योंकि अगर एंट्रेंस में ज़रूरत पड़ी तो उनका गाड़ी से हेल्प हो जाएगा, कि उनको मतलब आने में जो है थोड़ा इजी रहेगा। तो अभी हम भाई यहाँ बैठ के भी क्या करें, फटाफट से हम निकलेंगे। और वो ट्रेलर वाला अपना जान पहचान का ही बंदा है भाई, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला है, तो इसीलिए हम जो है तो वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। वो गाड़ी अपनी ले आएगा गैरेज के आगे, और वो हमको फ़ोन कर देगा जब वो लेके आ जाएगा। वो बोल रहा था कि उसको थोड़ी रात हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते। तो फटाफट जो है हम घर को निकलते हैं अपनी गाड़ी में। भाई हमारी गाड़ी शायद से इधर खड़ी है, ये रही अपनी गाड़ी जो कि भाई घनी केड़ी लग रही है। और भाई शाम का आप मौसम देख रहे हो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। और भाई अपनी गाड़ी तो उसमें और ही भाई चार चांद लगा देती है भाई। और यहाँ गाड़ी ढेर सारी खड़ी है, तो भाई फटाफट से जो हम निकलते हैं अपने घर के लिए। तो गाय जो हम अभी गैरेज के पास पहुँचने वाले हैं, और वो भाई हमारी ट्रक वाले से भी बात हो चुकी थी, मतलब कि वो अभी उसने अभी अभी हमको फ़ोन किया था कि वो अभी आ ही रहा है गाइज। उसने जो अपनी गाड़ी वगैरह सारी लोड कर लिया है, वो अभी हमारे पीछे पीछे आ ही रहा होगा गाइज। तो हम फटाफट से जो है अपने गैरेज में पहुंचते हैं। गैरेज जाऊं या घर जाऊं यार, क्योंकि उन्हें गाड़ी लाने में भी भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इससे अच्छा मैं घर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ सील मार लेता गाइज, इधर ही चलते गाइज। यहाँ भाई रात को भाई काफ़ी बढ़िया सीन रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। और भाई अपनी गाड़ी बाइक बहुत ही तेज़ भाग रही है, इसी की बात मैं आपको कर रहा था। इधर तो गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, फिर भी हम ले जा रहे हैं। भाई हट जाओ हट जाओ।
अर्जा। तो गाइस हम जो अपनी गाड़ी जो है यहाँ खड़ी कर देते हैं और थोड़ा दिन जो है यहाँ अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ वाइन्स वगैरह की दुकान है और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और गाइस वहाँ आप घूम भी सकते हैं। वो और बात बाकी करें तो भाई यहाँ एक जो है एक बहुत ही बढ़िया याच है और बिल्डिंग्स वगैरह भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है। और थोड़ा इधर से आगे से नज़ारा लेते हैं हम कि कैसी दिख रही है भाई। इधर पीछे भी गाइज एक जो है थोड़ा अच्छा होटल वगैरह है जहां आप स्टे कर सकते हो। और गाइज यहां जो है फ्रेशनेस भाई कमाल की आती है यार, ठंडी ठंडी हवा। और आप यहां देख सकते होंगे ये थोड़ा भाई रात को जो है ये सीन भाई काफ़ी बढ़िया लगता है यार। तो अभी हम थोड़ा देर गाइज वेट कर लेते हैं, उसके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, वो अपने गैरेज में पहुंचेगा तो हम जो है उससे बात कर लेंगे। तो गाइज फाइनली उस ट्रेलर वाले का फ़ोन आ चुका है और वो बोल रहा था कि मैं आपका गैरेज में पहुंच चुका हूं। तो गाइज हम भी फटाफट से चलते हैं और वो हमें पूछ रहा था कि आपका गाड़ी मैं इधर नीचे को उतार दूँ या नहीं उतार दूँ। तो मैंने कहा भाई तुम ही रख दो वहीं, मतलब वहाँ पार्किंग एरियाज है, मतलब हमारे गैरेज जो है ना उसके बगल में जो है थोड़ा स्टॉक यार्ड जैसा है, वहाँ जो है गाड़ियाँ हम रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि तुम भाई वहीं उतार के रख दो और अपने मैनेजर को भाई वहीं रखे रखना, मुझे उससे थोड़ी बात भी करनी है इसलिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई ड्राइवर को जो है वो सारी गाड़ियाँ अपनी उतार देगा और ख़ुद तो चला जाएगा। तो गाइस अभी हम जो है फटाफट यहाँ से निकलते हैं बिल्कुल फुल स्पीड में। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं अपनी गैरेज, थोड़ा भाई नज़दीक ही है। तब हम फटाफट से निकलते तब आपके साथ हम बात करेंगे। तो गाइज हम जो अपने गैरेज के पास में तो आ चुके हैं और अपनी गाड़ियाँ शायद से उन्होंने यहीं पीछे को खड़ी करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज सारी अपनी गाड़ियाँ जो इधर ही है, इधर अपनी जी वैगन, उरुस, BMW i8 और बुगाटी शिरोन, रोल्स रॉयस और लैंड क्रूजर, फॉर्चुनर लेजेंडर भी है और फरारी भी है और हमारा निशान का GTR भी है। तो गाइज अपनी जो है सारी गाड़ियां तो आ चुकी है, बस इनको जो है अब शोरूम में मुझे रखना होगा फटाफट से। तो गाइज मैंने उसे कहा था कि थोड़े देर रुक जाना, तो शायद मुझे लगता है उसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तो इसीलिए वो रुक नहीं पाया। तो उसने कहा कि सर मैं आपसे कल आके मिल लूँगा। तो मैंने कहा ओके, तो भाई कल आ जाना तुम, मुझे तुमसे बात करनी है कह के। तो गाइस मैं उस मैनेजर से क्यों बात करना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कोई मैकेनिक जो है ढूंढने में हमें थोड़ा जो है ईजी रहेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि मतलब वो मैकेनिक से हमें बात करा देने के लिए। अब गाइस जो हम फटाफट से जो अपनी सारी गाड़ियाँ को जो है अंदर को ले लेते हैं फटाफट से। पहले मैं जो है बुगाटी शिरोन को भी ले जाता हूँ और अंदर जो है फटाफट से रख देते हैं। तो म्यूजिक जो है भाई ऑफ कर देते हैं। हाँ इधर से ही गाइज यहाँ अगर आपने देखा तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ, ये अपना एंट्रेंस है। यहाँ से गाइज धीरे धीरे हमको अपनी गाड़ी जो ले जानी है और भाई आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही है यार। हमारी गाड़ी जो है यहाँ अंदर आ चुकी है, बुगाटी शिरोन तो हमारी अंदर आ चुके हैं, वो भी इसके सारे फीचर्स यहाँ शो हो रहे हैं। अभी हम फटाफट से जो है बाहर को जाते हैं। तो इसी तरह से हमें और भी गाड़ियाँ फटाफट से लानी है। अब इसके बाद जो हम रोल्स रॉयस को ले जाते हैं अपनी, भाई ये रोल्स रॉयस जो भाई काफ़ी प्रीमियम लग रही है अभी तो। मैं इसको भाई मुझे रखने का तो बहुत ही दिल कर रहा है लेकिन भाई कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी है इसलिए मैं इसको नहीं ले जा रहा हूँ। भाई फटाफट से इसको भी अंदर को कर देते हैं, काफ़ी गाइस रेडियो ऑन है यार। फटाफट से इसको जो भी अंदर रख लेते हैं। तो गाइज अपनी रोल्स रॉयस भी जो है अंदर को आ चुकी है, अभी हम फटाफट से यहाँ अब दूसरी गाड़ियाँ भी धीरे धीरे से भाई रख लेते हैं। तो गाइज काफ़ी मेहनत के बाद यार मैंने जो है सब गाड़ी जो है अंदर को कर लिया है, मतलब कि मैंने गैरेज में तो अभी नहीं डाला है, सारी गाड़ियाँ को इधर उधर रख दिया है। और भाई वो बंदा भी कैसा था यार, वो यहीं पार्क कर देता तो भाई हमें और आसानी हो जाता। गजब हाल है भाई, अपनी जो है गाड़ी को फटाफट से यहाँ लगाते हैं और यहाँ से फटाफट सारी गाड़ियाँ को अंदर कर लेते हैं ताकि हमको भी थोड़ा इजी रहेगा।
तो भाई इस निशान के भी GTR को फटाफट से जो है अंदर रख लेते हैं हम। तो गाइज ये निशान की GTR भी अंदर आ चुकी है। तो गाइज हम जो है अपनी फरारी को भी भाई अंदर कर लेते हैं फटाफट से। ये गई हमारी गाड़ी अंदर। तो गाइज हमने जो है सारी गाड़ियां जो है फाइनली अंदर कर चुके भाई। तो गाइज आप जैसे कि देख सकते होंगे हमारी गाड़ियां सारी यहीं खड़ी हुई है। हमारी बुगाटी शिरोन और रोल्स रॉयस और सारी गाड़ियां जो है हमारी यहाँ खड़ी हो चुकी है। और ऊपर को जो है हमारी दूसरी दूसरी गाड़ियां जो है बाद बाकी की गाड़ियां भाई। और देख सकते हो भाई काम करते करते भाई सुबह हो चुकी है भाई। क्या कहे यार, अब थोड़े स्टाफ्स वगैरह भी अब रखने पड़ेंगे। और यहाँ अपनी दूसरी दूसरी गाड़ियाँ भी है। तो अभी हम फटाफट से जो है नीचे को जाते हैं भाई। अभी जो है काफ़ी थक चुके हैं हम। और आप देख सकते होंगे हमारी जो है यहाँ गाड़ी है भाई, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस ये बता रहा है, गाड़ी की नाम भी बता रहा है गाइज, और टॉप स्पीड वगैरह एक्सीलरेशन ब्रेकिंग ये सब कुछ दिखा रहा है। और अपनी जो है लेजेंडर भाई काफ़ी प्यारी है भाई, घनी प्यारी लग रही है भाई। तो गाइज अभी जो हम फटाफट से जो है यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइज अभी जो है हम गैरेज से बाहर आ चुके अपने शोरूम से। तो अभी जो है गाइज मुझे फटाफट जो है मैं घर के लिए निकलता हूँ यार, भाई काफ़ी भाई देर हो चुकी है। तो गाइज अभी जो हम फटाफट से जो है यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। और देख सकते हो भाई अब जो है सुबह हो चुकी है भाई, सुबह के 10-11 बज चुके भाई। अभी जो भाई हमें फटाफट से घर जाना होगा और मैं घर जाके गाइस सोऊंगा सबसे पहले भाई। काफ़ी थक चुका हूँ भाई मैं तो यार, पूरा माइकल का जो है भाई आज तो माइकल रात भर भाई काम ही कर रहा है यार। पता नहीं यार, एक तो रात मतलब रात 12-1 बजे जो है वो ट्रेलर वाले ने जो है हमारी गाड़ी वहाँ ला के रख दी थी। और माइकल को भाई 3-4 घंटे तो लग गए क्योंकि उतनी सारी गाड़ियाँ भी तो थी यार, और लिफ्ट वगैरह भी बीच में ख़राब हो गई थी इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी हम फटाफट से जो है घर के लिए निकलते हैं अपने। और गाइस आप यहाँ देख सकते होंगे ये क्या भाई, यहाँ बैंक वगैरह है भाई। सही है, अभी भाई हमें बैंक देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को कोई लोन वगैरह नहीं चाहिए भाई। माइकल के पास अपने इतना पैसा है वो भाई, क्या ही बताओ यार। तो अभी हम फटाफट से जो है घर के लिए निकलते हैं गाइस। ऐसी क्रैकलिंग आप सुन रहे हो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आ गया है जो कि हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा, बाद में करवा लेंगे कोई देखा बात नहीं आपने भाई। लापरवाही का नतीजा है। तो अभी जो हम फटाफट से जो है यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए भाई। काफ़ी प्यारी लग रही है गाड़ी तो। और ये भाई ये सुबह सुबह क्या कर रहे होते भाई, पता नहीं यार। तो गाइस जो हम घर के पास जो है अपने आ चुके हैं, अभी हम फटाफट से जो है गाड़ी लगाने वाले हैं और फटाफट से जो है सो जाएंगे यार, बहुत ही टाइम लग गया गाइस। तो भाई फटाफट से जो है अपनी गाड़ी को अंदर को पार्क कर देते हैं। ओ भाई माइकल जो है गाइस पूरा थक चुका है, वो जो है सोने लगा वाला है भाई। तो गाइस जो है माइकल जो है भाई बहुत ही थक चुका है। तो भाई फटाफट से जो है हम अंदर को जाते हैं रेस्ट करेंगे भाई। उससे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस जो है एक जूस पी लेते भाई हमें भाई बहुत ही। तो माइकल जो है अब गाइस जूस पी रहा है तो उसके शरीर में जो थोड़ी एनर्जी आ जाए इसीलिए उसने जूस वगैरह पी ली है। अभी जो है गाइस हम फटाफट से जो है जाके सोएंगे यार, काफ़ी मेहनत की है आज माइकल ने। इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में गाइज हम जो है मैकेनिक वगैरह ढूंढेंगे और उसको अपग्रेड वगैरह कराएंगे। और गाइज ये शोरूम में थोड़ा भाई मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कि हम दूसरे जगह भी। और ये भाई जिम्मी को देखो यार, ये देखो भाई जब देखो तब भाई तू गेम ही खेलता रहता है यार, दिन भर भाई ये तो गेम ही खेलता रहता है। आप यहाँ देख सकते होंगे गाइज। और भाई इसके रूम में आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ इसके कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये भाई गिटार वगैरह भी बजाता है। और सारे पिज़्ज़ा उज्जा खा के भाई सारे यहाँ वहाँ छीट रखे भाई। और इसके देखो भाई लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है भाई, इसमें ये जगह है भाई तेरी रखने के लिए। देखो भाई कितना बिजी है, मुझसे वो बात ही नहीं कर रहा है भाई, क्या बताया भाई।
इतना भी इंगेज नहीं होना चाहिए यार। तो अभी हम फटाफट से जो है रूम में जाते हैं और मैं कपड़े बदल लेता हूँ गाइस, जो है थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह लगा लेता हूँ। हमारा शॉर्ट्स का है गाइस, यहाँ ये रही। तो गाइस माइकल ने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। और भाई तू अपना ग्लास भी तो हटा ले यार, फटाफट से भाई ग्लास भी खोल लेते हैं। और भाई ये थोड़ा शॉर्ट हो मेरा जो है चेंज कर लेते हैं। हाँ अभी ठीक लग रही है। तो गाइज माइकल ने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। तो गाइज अभी जो माइकल रेस्ट वगैरह करेगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय। और भाई अपने भाई, आप अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते भाई, फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार।